दोस्तों अगर आपके YouTube चैनल में कैप्शन कंप्लेन का इस प्रकार का अगर आपको यहाँ पे मेल आया हुआ है तो आप यहाँ पे अपने वीडियो में कैप्शन कंप्लेन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल मिल जाता है जिसमें ऊपर में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि एक यूजर ने यहाँ पे कंप्लेन किया है कि आप अपना कैप्शन को यहाँ पे क्लोज कर ले और ये यूट्यूब को यहाँ पे रिपोर्ट किया गया और वीडियो का लिंक देखने मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो आपका यहाँ पे चलना चालू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ आपको लिंक देखने मिलता है जिसमें बताया गया कि कैसे आप कैप्शन को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो फोर्थ में आपको एक लिंक देखने मिलेगा और ये लिंक आपको वीडियो को मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे YT स्टूडियो में जाके वहाँ पे आप एडवांस सेटिंग में जाके इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया कि कैसे आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है इस पर दोस्तों, जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे गूगल क्रोम में चल जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाके आप यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे एरर देखने मिल रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर सकते हैं, स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख लेना है studio.youtube.com, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा, लिखने के बाद डैशबोर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में जाते हैं, वीडियो वाले सेक्शन में जाने सर्च में जाना है और दोस्तों उस वीडियो को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जो वीडियो में आपका यहाँ पे कंप्लेन आया है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और सर्च करने के बाद दोस्तों जैसे सर्च कीजिएगा तो ये वीडियो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और उस वीडियो पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको एडिट का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और देन नीचे में अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो शो मोर का ऑप्शन मिल जाता है। शो मोर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने में नीचे में आपको चले जाना है। नीचे में दोस्तों यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन कैप्शन का देखने मिलेगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन का ऑप्शन देखने मिलेगा। ये दोस्तों देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और अगर वीडियो लैंग्वेज देखें तो मैं इंडिया में रहता हूं तो लैंग्वेज यहां पे हिंदी चूज किया हूं। होता क्या है कि कोई दूसरा अगर बंदा यहां पे दूसरे कंट्री से वीडियो देखता है और उसको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो यहां पे क्या करता है, कंप्लेन कर देता है। तो कैप्शन सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन अगर आपको यहां पे नन पे सिलेक्ट किया हुआ तो सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे ऊपर में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा दिस कंटेंट हैज नेवर एयर ऑन टेलीविजन इन यूएसए। मतलब यह बताया जा रहा है कि यह जो कंटेंट है यह यूएसए के टेलीविजन में नहीं दिखाया जाता है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहां पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज देखने मिलेगा, आप यहां पे डाल सकते हैं या आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा नीचे में आप जाइएगा तो बाकी ये इंफॉर्मेशन देखने मिलेगा, बस ये आपको कर लेना है। करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और दोस्तों जैसे यहां पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद अगर फॉरेन कंट्री से अगर आपका ये वीडियो कोई देखता है तो यहां पे आपको अब कंप्लेन नहीं करेगा और कैप्शन का कोई भी कंप्लेन इस वीडियो में दोस्तों आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।